बात करेंगे राजस्थान की, जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने डीडवाना जिले की लाजनू विधानसभा क्षेत्र की दीन दारपुरा ग्राम पंचायत को उप तहसील बनाने की घोषणा की थी। परिवहन और सड़क सुरक्षा मंत्री बृजेंद्र सिंह उला ने दीन दानपुरा के नए बस स्टैंड का लोकार्पण किया है। यह बस स्टैंड उप तहसील स्तर का होगा। कार्यक्रम में राज्य मंत्री हकम अली खान और लाडनू विधायक मुकेश वैकर भी मौजूद रहे। सभा को संबोधित करते हुए राज्य मंत्री बृजेंद्र ओला ने कहा कि हमारी सरकार ने पिछले 4.5 सालों में अभूतपूर्व काम किए। लाडनू विधानसभा की ये पंचायतें थी, जो आधी पंचायतें मौलासर में है, आधी डीडवाना में है। तो यहाँ प्रशासनिक दृष्टि से लेकर विकास को लेकर काफी समय से ये अपने आप को पिछड़ा महसूस कर रही थी। और पिछला जब चुनाव हुआ तो इन लोगों की ये उम्मीद भी थी कि हम लोग विधायक को वोट दे रहे हैं तो इन पंचायतों में विशेष तौर पर जो बचे हुए काम हैं तो भेदभाव हुए बिना सभी लोगों के काम हो। और आज मुझे खुशी है कि जितना काम लाडनू के आखिरी कोने पर उधर हुआ उतना ही लास्ट कॉर्नर इस साइड भी हुआ है। मुकेश जी ने बहुत शानदार काम अपने विधानसभा क्षेत्र में किया है, आप स्वयं देख रहे हैं। ऐसा बस स्टैंड कई शहरों में भी नहीं है और वो भी उन्होंने अपने विधायक कोटे से किया है। ये दर्शाता है कि उनका अपनी जनता को सुविधा देने में कितना इंटरेस्ट है। जो उप तहसील का उद्घाटन हुआ है वो ये क्षेत्र जो 12 पंचायतें हैं इनका उपखंड कहीं था, आपकी थाना कहीं था।